नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है और आप नए एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे। फॉर्म भरने के पहले सबसे पहले आप तीन चीजों का आपका आपके पास होना जरूरी है, अकाउंट नंबर, पासबुक और एक आधार कार्ड की कॉपी, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपके आपको आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। तो आइए हम वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको वो वाला फॉर्म भरना है। नमस्कार दोस्तों, ये आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप एटीएम कार्ड इशू करवाना चाहते हैं तो उसका फॉर्म है। यहाँ पर सबसे पहले आप शाखा का नाम लिख देंगे, जिस भी शाखा में आपका अकाउंट है। यहाँ पर दिनांक लिख देंगे जिस भी दिन को आपको ये रिक्वेस्ट आप बैंक में दे रहे हैं। यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो अटेस्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको कौन सा वाला एटीएम कार्ड इशू करवाना है, क्लासिक, प्लेटिनम, मित्र, किसान क्रेडिट कार्ड। अब जैसे मैं क्लासिक एटीएम कार्ड इशू करवाना चाहता हूँ तो मैं उस पर टिक कर दूंगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम यानी कि मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मेरा सिंगल अकाउंट है मैं इसको छोड़ सकता हूँ। अब दूसरे पे कि मैं कार्ड पर क्या नाम चाहता हूँ, मैं कार्ड पर भी यही नाम चाहता हूँ तो मैं मुरारी गर्ग यहाँ पर लिख दूंगा। अब इसके बाद ऐड ऑन यानी कि अब इसके बाद आप नीचे आ जाइए। आप इसको पर्सनलाइज कराना चाहते हैं या गैर पर्सनलाइज, मैं चाहता हूँ मेरा नाम आए तो पर्सनलाइज मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पर लिखना है चौथे नंबर पे। अब मेरा जो खाता है, मुख्य खाता जो है, सेविंग अकाउंट है, मैं यहाँ सेविंग अकाउंट लिख दूंगा और यहाँ पर 16 डिजिट का अपना जो खाता नंबर है वो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, जो भी मेरे अकाउंट में जो सिग्नेचर हैं वह है। और ये फॉर्म अब मैंने फिलअप कर लिया है। ये फॉर्म अब मुझे आधार कार्ड की कॉपी इसके पीछे लगानी है और बैंक में सबमिट कर देना है। इसके बाद 10 से 15 दिन के बाद मेरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल जाती है।